कीबोर्ड के ऊपर F1 से F12 तक कीज को डैश कीज के नाम से जाना जाता है। अब कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेके F12 तक ये जो कीज हैं हमारे पास, इनको बोला जाता है फंक्शन कीज। ठीक है, ये होता है एस्केप की। और कीबोर्ड का ये जो हिस्सा है, ये जो बटन है, इन्हें न्यूमेरिक कीबोर्ड कहा जाता है या न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। ये अप डाउन लेफ्ट राइट ये डायरेक्शनल कीज होते हैं। ठीक है, इनको नेविगेशन कीज बोला जाता है। पेज के अंदर होम पे जाना है, बॉटम पे जाना है, टॉप पे जाना है, या पेज अप पेज डाउन करना है, तो ये आपको नेविगेशन कीज काम में आते हैं। और कीबोर्ड के अंदर दो ऑल्ट की, दो विंडोज़ की और दो कंट्रोल की होते हैं। ये लेफ्ट हैं वाले हैं और ये राइट वाले हैं। इसी तरह से दो शिफ्ट कीज भी होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट। ये कैप्स लॉक होता है बटन, और ये टैब बटन होता है, ये होता है एंटर बटन, और ये जो हमारे बटन्स हैं जिन पे ABCD लिखा हुआ है, ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और ये जो है इंडिकेटिंग लाइट्स होती हैं, कैप्स लॉक ऑन है या नंबर लॉक ऑन है या स्क्रॉल लॉक ऑन है, ये वो दर्शाते हैं। यहाँ पर कुछ कीज़ हो सकते हैं मल्टीमीडिया कीज़, जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में देखे जाते हैं, वो इंस्टेंट एक्सेस मीडिया प्लेयर के लिए या इंटरनेट के लिए वो उस पर दिया गया होता है, लेकिन ये ऑप्शंस होते हैं, जबकि ये सारे कंपलसरी कीज़ होते हैं कीबोर्ड के अंदर। अल्फ़ाबेटिक कीज़, फंक्शन कीज़, कंट्रोल ऑल्ट विंडो कीज़, एंटर की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, टैब की, और ये डायरेक्शनल कीज़। ये भी आपको लैपटॉप्स के अंदर किसी किसी में देखने को मिलेगा, जो न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, लगभग इतना कीबोर्ड होता है लैपटॉप के अंदर, आम जो मिलते हैं छोटे साइज़ के। लेकिन बड़े लैपटॉप के अंदर ये आपको ये पूरा कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। ये जो कीज़ हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड, ये कैलकुलेटर पर्पज़ के लिए ज़्यादा उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो F1 से F12 के लिए फंक्शन कीज़। कट या कॉपी के बाद टेक्स्ट और ग्राफिक्स डैश नामक एरिया में स्टोर किए जाते हैं। अब ये कह रहा है, जब भी आप मान लीजिए एक आप वर्ड फाइल में काम कर रहे हो, आपने यहाँ पर कुछ ABC टेक्स्ट लिखा या कुछ और भी लिखा, आपने यहाँ पर कुछ इमेज वगैरह भी ऐड कर ली, फिर आपने किया इस सारे को कंट्रोल A प्रेस करके सारे को सिलेक्ट कर लिया। अब ये इतना इतना सारा कुछ सिलेक्ट हो चुका है और आपने इसको करना है कॉपी करना है या कट करना है, और ये कोई और फाइल है, इसके अंदर आपने ये सारा पेस्ट करना है, यहाँ से कॉपी लेना है और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ से कॉपी लिया और इसे या कट किया, तो ये जो डाटा एक जगह पर स्टोर हो जाता है, उस जगह को हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, जब भी हम कॉपी या कट करते हैं तो वो डाटा है कहाँ स्टोर किया जाता है? वो क्लिपबोर्ड नाम की एक मेमोरी है या होती है, वो रैम के अंदर ही होता है, लेकिन उस एरिया को हम क्या कहते हैं? क्लिपबोर्ड। उस एरिया में वो या उस जगह पे स्टोर हो जाता है। और जब भी यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट के ऑप्शन हमें कहाँ से प्रोवाइड करता है? जो क्लिपबोर्ड का जो एरिया है उसमें काफ़ी सारे कुछ प्रीवियस कॉपीज़ भी होंगे। ठीक है, तो वहाँ से वो लेटेस्ट वन को उठा लेता है। अगर आपने बाकी कॉपीज़ भी देखने हो तो आप क्लिपबोर्ड एरिया के अंदर देख सकते हो, लेकिन एक बार सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से जो टॉप पे कॉपी है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब भी कॉपी पेस्ट करते हैं वो डाटा टेम्परेरी कहाँ स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड के अंदर। इसमें कौन सा प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था, एक कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर हिस्सा जो कंप्यूटर को खुद के चलने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि रेल की पटड़ियाँ। अब रेल को चलाना है तो पहले पटड़ियाँ बिछानी पड़ती हैं ज़मीन के ऊपर। ऐसे ही जो हमारी कंप्यूटर की मशीन है उसके ऊपर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम हमारा बाकी काम जो है कर सकते हैं, तो उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो रैम की मैनेजमेंट करते हैं, मेमोरी की मैनेजमेंट करते हैं, CPU की मैनेजमेंट करते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करते हैं, सारा कुछ करते हैं हमारे लिए, उन्हें कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और अब पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ विस्टा, मैक OS एप्पल के कंप्यूटर्स में चलता है, लाइनक्स एक फ्रीवेयर है, ये भी चलता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वर्चुअल बॉक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स हमारा आंसर हो जाता है इसका, वर्चुअल बॉक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अभी वर्चुअल बॉक्स है क्या? वर्चुअल बॉक्स क्या है? अगर आपके पास एक विंडोज़ का PC है, उसके ऊपर आप वर्चुअल बॉक्स नाम की एक एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर ले
कर लेते हो, तो उसके अंदर इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप मैक ओएस भी इंस्टॉल कर सकते हो, एंड्रॉयड भी इंस्टॉल कर सकते हो या लाइनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स क्या है? एक वर्चुअल मशीन है, मशीन के अंदर एक और मशीन जिसके अंदर आप अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। अभी जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास हैं वो विंडोज़ का है पीसी के लिए, ठीक है, एप्पल का है मैक ओएस लैपटॉप्स के लिए पीसी के लिए, और एंड्रॉयड मोबाइल के लिए लिनक्स जो है वो भी पीसी कंप्यूटर जो मोबाइल है दोनों में चल जाता है। और इसके आगे काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं जैसे उबंटू हो गया, ठीक है, और जैसे हमारा विंडोज़ का विंडोज़ फ़ोन भी आए थे एक बार, एप्पल का जो फ़ोन्स के अंदर चलता है वो है आईओएस, ठीक है। तो अभी एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है 2021 की हम बात कर रहे हैं जनवरी महीने की, तो अभी एंड्रॉयड 11 जो है लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है, और विंडोज़ 10 अभी लेटेस्ट चल रहा है, आईओएस शायद 14 चल रहा है लेटेस्ट अभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? वर्चुअल बॉक्स नहीं है, विंडोज़ वीस्टा भी है, मैक भी है, लिनक्स भी है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे डैश कहते हैं। जब भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वेब ब्राउज कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसे लिंक्स मिलेंगे या कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिन पे आप जब भी क्लिक करते हो तो आपको एक अलग जगह पर या अलग पेज पर ले जाता है, तो उन्हें हम कह देते हैं हाइपरलिंक। जैसे आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बताऊं, अब आप कोई गूगल पे सर्च कर रहे हो, ठीक है, गूगल पे आपने लिखा ABC, इसके काफ़ी सारे रिजल्ट आएंगे और नीचे यहाँ पर लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब भी आप दूसरे पे क्लिक करते हो तो इन रिजल्ट्स के बाद जो रिजल्ट्स हैं अगले पेज पे, तो आपको वहाँ पर ले जाएगा। आप 4 पे क्लिक करते हो तो आपको चौथे पेज पर ले जाएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स को दिखा पाएगा। तो ये क्या है? हाइपरलिंक है। जब भी आप 2 जो है 2 के पीछे जो काम कर रहा है, यानी कि ये दूसरे पेज पर लेके जाएगा, ये चौथे पेज पर, ये 6वें पेज पर, तो ये होते हैं हाइपरलिंक। जब भी इन पे कर्सर आता है हमारा, तो जो कर्सर का जो सिंबल है वो एक हैंड की शेप में आ जाता है, तो वी होते हैं हाइपरलिंक्स। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है, यानी कि फाइल्स को सेव करने के लिए? अब फाइल्स को सेव करने के लिए हम करते हैं Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+S से जितना भी हमने टाइप किया है, जो भी काम किया है, उस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। और हमसे एक नाम मांगेगा फाइल का, उस नाम देने के बाद टाइप मांगेगा, नाम और टाइप देने के बाद हम ओके जैसे ही करेंगे फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद हम मान लीजिए उस फाइल के अंदर और भी कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+S करेंगे वो उस फाइल के अंदर अटैच हो जाएगा। तो ये Ctrl+S करना अच्छा रहता है अगर हमको लंबा डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने टाइप कर लिया, फाइल को सेव कर लिया, फिर थोड़ा सा और टाइप कर लिया, सेव कर लिया, तो इससे ये अच्छी प्रैक्टिस रहती है वर्ड के लिए। Ctrl+S के लिए हम सेव के लिए हम Ctrl+S करते हैं। और कुछ और भी कमांड्स हैं जो कंट्रोल के साथ काम करती हैं, वो है अगर आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस करते हो तो वो जो आपने टेक्स्ट मान लीजिए आपने कुछ सेलेक्ट कर रखा है तो वो कॉपी हो जाता है, और अगर आप Ctrl+V करते हो तो वो पेस्ट हो जाता है किसी और जगह पर, यहाँ से कॉपी किया था मान लीजिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपने, और Ctrl+X से यहाँ से कट हो जाता है और उससे आप पेस्ट कर सकते हो, वो पहली जगह पर नहीं रहेगा दूसरी जगह पर आ जाएगा। कंट्रोल अगर ए करते हो आप तो जितना भी टेक्स्ट फाइल के अंदर है वो सारा सेलेक्ट हो जाता है, और आर से रिफ्रेश हो जाता है पेज आपका, ठीक है। एल से क्या हो जाता है? Ctrl+L से जो URL है या जो हाइपरलिंक है वो हाईलाइट हो जाता है। Ctrl+F से आप कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हो, मान लीजिए यहाँ पर आपने HP लिखा हुआ है कहीं पे, तो जैसे आप Ctrl+F करते हो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसके अंदर आप HP लिखो, एंटर प्रेस करो और ये वर्ड जो है हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से Ctrl+S सेव के लिए हमने कर दिया, Ctrl+P हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, Ctrl+T जैसे हम प्रेस करेंगे एक नई टैब खुल जाती है, मान लीजिए आप क्रोम के अंदर कुछ इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे हो या आप इस टैब पे काम कर रहे हो, तो जैसे आप Ctrl+T करते हो एक नई टैब खुल जाती है, ठीक है। Ctrl+W से जो टैब है वो क्लोज हो जाती है, करंट टैब जो एक्टिव टैब है आपकी वो क्लोज हो जाती है। Ctrl+Z से जो भी आपने काम किया, यहाँ पर मान लीजिए आपने कुछ नया वर्ड ऐड किया ABC, जैसे ही आप Ctrl+Z करोगे तो ये ABC गायब हो जाएगा, जो रिसेंट आपने जो एक्शन किया है उसे अंडू कर देता है ये, ठीक है।
फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस। ठीक है, ये प्रश्न हमारा है ईमेल से रिलेटेड, तो पहले ईमेल के बारे में जान लेते हैं। ईमेल जब भी हम कंपोज करते हैं या लिखते हैं तो इनमें कुछ फील्ड जो हैं जैसे कि टू हो गया, सीसी हो गया, बीसीसी हो गया, और अटैचमेंट का भी होता है, एक सब्जेक्ट का भी होता है। तो टू के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं या वो एड्रेस लिखते हैं जिन्हें हम मैसेज ओरिजिनल तौर पे भेजना चाहते हैं। मान लीजिए हमने मैसेज भेजना है abc@gmail.com को, इस बंदे को ये मैसेज भेजना है, और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ये सेम मैसेज चार और बंदों को भी भेजना है, तो हम उसे सी सी फील्ड के अंदर लिखेंगे। सी सी का मतलब कार्बन कॉपी। तो इसी मेल की कॉपी जो हमने ए बी सी को भेजी उसी की कॉपी मान लीजिए ये एफ कोई है, ये जी कोई है, ये एच कोई है, ये आई कोई है, ये मान लीजिए चार ईमेल एड्रेसेस हैं, इन चारों को वो सेम कॉपी चली जाएगी। और बी सी सी होता है एक, इसमें भी हम लिखते हैं, बताता हूँ क्यों लिखते हैं इसमें। अगर मान लीजिए कोई एल नाम का कोई ईमेल एड्रेस है, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि उसे ये पता चले कि हमने वो कॉपी किस किस बंदे को भेजी है, और हम ये भी नहीं चाहते कि ये सी सी वाले जो बंदे हैं वो इस ईमेल एड्रेस को देख पाएँ। अगर हम किसी इस ईमेल एड्रेस को छुपाना चाहते हैं बाकी से, लेकिन हमने मल्टीपल बंदों को भेजनी भी है साथ में, तो जिस बंदे को हमने छुपाना है या जिस बंदे से छुपाना है चीज़ों को, उसको हम बी सी सी फील्ड के अंदर टाइप करेंगे। मान लीजिए ठीक है, हमने मेल भेज दिया, सब्जेक्ट लिखा हेलो, और यहाँ पर कंटेंट्स में कुछ लिख दिया, तो जैसे ही मेल पहुँचेगी तो ये एफ वाला जो बंदा है इसे पता चलेगा कि सेम मेल जी को भी भेजी गई है, एच को भी भेजी गई है, आई को भी भेजी गई है। जी वाले को सेम पता रहेगा कि एफ को, एच को, आई को भेजी गई है, और आई वाले को पता रहेगा कि एफ जी एच को भी भेजी गई है। लेकिन जो एल वाला है बंदा, इसे नहीं पता रहेगा कि एफ को भी भेजी गई है, जी को भी भेजी गई है, आई को भी भेजी गई है, और सेम केस में इनको भी नहीं पता चलेगा कि मेल जो है एल को भी भेजी गई है। तो प्राइवेटली हम इसको मेल भेज सकते हैं साथ के साथ ही। तो टू फील्ड के अंदर हमारा मेन रेसिपिएंट रहता है, कार्बन कॉपी के अंदर हमारे जो वो रेसिपिएंट रहते हैं जिनका हम डाटा आपस में शेयर करना चाहते हैं, एक दूसरे का डाटा वो देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। लेकिन बी सी सी के अंदर हम उस फील्ड को या उस ईमेल एड्रेस को डालते हैं जो हम नहीं चाहते कि बाकियों के साथ शेयर किया जाए। ठीक है, तो अभी प्रश्न क्या कहता है, यदि आप किसी ईमेल संदेश में इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ते हैं तो संदेश की एक डैश उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और अन्य प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई देता है, तो वो कौन सा है, सी सी फील्ड। सी सी फील्ड क्या होता है, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी यानी कि प्रतिलिपि कॉपी। ठीक है, तो उसकी एक प्रतिलिपि बाकियों को भेजी जाती है और सभी को नाम आपस में दिखाई देता है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे डैश कहते हैं, तो उसे हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं बग। ठीक है, उसे हम बग कहते हैं। मान लीजिए आपने कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम लिखा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कंप्यूटर में आपने कोई भी काम करना है तो आपको उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, हाई लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, किसी में भी जिसमें आपको अच्छा लगे। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम लिखना था, 2+3 करना था हमने, और हम उसका रिज़ल्ट चाहते थे कि हमारे पास 5 रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जब हमने प्रोग्राम लिखा तो उसमें हमने गलती कर दी कुछ, 2 यहाँ पर प्लस की जगह पर हमने लिख दिया मल्टीप्लाई और 3, जबकि रिज़ल्ट आया 6, हम चाहते थे 5, रिज़ल्ट आया 6, तो हमारी गलती के कारण, ठीक है, प्रोग्राम में कोई गलती थी उसके कारण रिज़ल्ट आ गया कुछ और, तो क्या हमने जो परिणाम चाहा था वो परिणाम नहीं आया, हमारी गलती थी, प्रोग्राम के अंदर कोई त्रुटि थी, तो उसी त्रुटि को हम कहते हैं बग। जो प्रोग्राम्स के अंदर कोई बग्स या गलतियां होती हैं या इन्हें एरर्स भी कहा जाता है, तो ये इन्हें बग कहा जाता है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र अक्सर डैश का उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं, वो करते हैं टर्मिनल का उपयोग। डायग्राम में देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक बैंकिंग सिस्टम की। मान लीजिए आप किसी बैंक की मेन ब्रांच में गए हो, तो वहाँ पर एक ऑफिस के अंदर एक मेन फ्रेम पड़ा होगा। मेन फ्रेम क्या है, एक कंप्यूटर ही है, लेकिन वो हमारे घर में जो यूज़ करने वाले कंप्यूटर्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा तेज़, कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसे हम मेन फ्रेम कहते हैं या सुपर कंप्यूटर भी उसे कह देते हैं कई बार। लेकिन ये हमारे जो नॉर्मल पीसीस हैं उनसे काफ़ी
पावरफुल रहता है। तो ये जो मेन फ्रेम है, सारी प्रोसेसिंग, सारी स्टोरेज इसी ने करनी होती है। लेकिन जो क्लर्क जो बैठे हैं हमारे, जो पासबुक प्रिंट करते हैं या हमारे खाते में जो लेन देन करते हैं, उनके पास भी एक जो कंप्यूटर लगा होता है उसे कहते हैं हम टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है असल में? कीबोर्ड, माउस और एक स्क्रीन है। इसके पास सीपीयू तो होगा छोटा सा, लेकिन क्या होगा उसके अंदर जो मेन प्रोसेसिंग है उसके अंदर नहीं होगी, मेन स्टोरेज इसके अंदर नहीं होगी। हमारी जो चेकबुक है या हमारा जो जो भी लेन देन है पैसे का, वो इससे ट्रांसफ़र होके आएगा। हम जो इस पर कमांड देंगे वो इधर जाएंगी, यहाँ पर प्रोसेस होगा डाटा और फिर जो रिजल्ट आएंगे मेन स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो मेन प्रोसेसिंग और स्टोरेज करता है ये, जस्ट इन्हें एक टर्मिनल कहा जाता है, जिससे हम क्या करते हैं मेन फ्रेम से बातचीत करते हैं, मेन फ्रेम को डाटा भेजना, मेन फ्रेम से डाटा निकालना, तो ये टर्मिनल के थ्रू होता है। तो जितने भी क्लर्क लोग बैठे होते हैं बैंक्स के अंदर, वो टर्मिनल यूज़ करते हैं और जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो एक मेन फ्रेम के अंदर होती है। तो प्रश्न क्या है? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के अंदर एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। टर्मिनल होता है बेसिकली एक कंप्यूटर ही है, लेकिन वो इतना पावरफुल या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि सारा कुछ एक्सेस कर पाए और प्रोसेस कर पाए। तो सारी प्रोसेसिंग इस पे, ये सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए। फ़ोन लाइन और मॉडम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शंस को डैश कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, हमें इंटरनेट चाहिए, लेकिन हम उस इंटरनेट के लिए अगर एक टेलीफोन या लैंडलाइन को यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक और ज़रूरत पड़ती है एक चीज़ की, वो होती है मॉडम। हमें एक मॉडम चाहिए होता है और एक पीसी, तो हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं डायल अप कनेक्शन। ठीक है, अब मॉडम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जो टेलीफोन से हमारे वो करते हैं एनालॉग सिग्नल्स पे काम। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर वन, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर वन। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर हमारा काम करता है एक डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ की ज़ीरो, यहाँ पर वन, ज़ीरो, यहाँ पर वन। तो इन सिग्नल्स को अगर हमने पीसी में पढ़ना है तो हमें इस फॉर्मेट में बदलना पड़ता है, और ये काम करता कौन है? ये काम करता है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये टेलीफोन लाइन्स से जो सिग्नल्स आते हैं एनालॉग, उनको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और पीसी उन्हें पढ़ पाता है। जब पीसी अगर कुछ इंटरनेट पे भेजना चाहता है चीज़, तो वो डिजिटल सिग्नल्स मॉडेम को देता है और मॉडेम उन्हें एनालॉग में कन्वर्ट करके दोबारा फ़ोन को दे देता है। इस तरह से एक पीसी जो कैलिफोर्निया में बैठा है, दूसरा न्यूजर्सी में बैठा है, आपस में बात कर सकते हैं इन फोन लाइन्स के थ्रू। तो इस तरह के इंटरनेट को हम कहते हैं डायल अप कनेक्शन। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट यानी कि हमारा जो एक पूरा सीपीयू कैबिनेट होता है उसके अंदर के भाग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें से? वो है सीपीयू। अब आप में से कुछ सोचेंगे कि सीडी रोम भी तो हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क भी तो हो सकता है, लेकिन इनमें फ़र्क जानिए, काफ़ियों को कन्फ्यूज़न रहता है। अब अगर सीडी रोम की बात करें तो वो ये चीज़ है जिस पे मैंने तीर किया है, वो एक सीडी रोम है, जबकि हम इसे सीडी ड्राइव बोलते हैं। सीडी ड्राइव सीपीयू या सिस्टम का एक हिस्सा होता है, लेकिन सीडी रोम नहीं होता। इसी तरह से एक फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं हम, तो ये जो चीज़ है ये है फ्लॉपी डिस्क, लेकिन जो ये चीज़ है जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क डाली जाती है वो है फ्लॉपी ड्राइव। ठीक है, तो ये फ़र्क आप जान लीजिए ड्राइव में और डिस्क के अंदर। ये है सीडी, सीडी ये है, और ये है सीडी ड्राइव। जिसके अंदर सीडी डाली जाती है वो सीडी ड्राइव, और ये जो फ्लॉपी है ये फ्लॉपी डिस्क है, और जिसमें फ्लॉपी डाली जाती है वो फ्लॉपी ड्राइव। अब सीडी ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव एक सिस्टम यूनिट का भाग होता है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर हमारे पास दिए गए हैं सीडी रोम यानी कि ये, और फ्लॉपी डिस्क यानी कि ये। तो ये दोनों सिस्टम का भाग नहीं होते। तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास सीपीयू ऐसा बचता है जो इसका भाग होता है, सीपीयू यानी कि प्रोसेसर। तो प्रोसेसर एक पूरी कैबिनेट जो सीपीयू वाली होती है उसका भाग होता है। कमांड के अमल की प्रक्रिया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक कंप्यूटर के अंदर अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और प्रोग्राम में क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस यानी कि कमांड्स। तो एक कमांड पर अमल कब किया जाता है एक कंप्यूटर के द्वारा?
मान लीजिए एक प्रोग्राम हमने कंप्यूटर को दिया और ये वाली कमांड को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इस पे काम करना चाहते हैं, यानी कि इस पे हम अमल करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका होता है। सबसे पहले वो चीज़ ये कमांड जो है ये रैम के अंदर आती है, इसे स्टोर किया जाता है सीपीयू के कंप्यूटर के अंदर। जब रैम के अंदर स्टोर हो जाता है तो सीपीयू डिमांड करता है उस प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस की। इस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट में दिया जाएगा। फिर इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी लिखा है, मान लीजिए इस केस में हमारे पास ऐड लिखा हुआ है, तो ऐड का मतलब होता है जोड़ करना, लेकिन कंप्यूटर को ऐड का मतलब पता नहीं होता, तो इसे डिकोड किया जाएगा ऐड, इसको बाइनरी में बदला जाएगा। जैसे ही बाइनरी में बदला जाता है, इसे जो ALU है वो इसे एग्जीक्यूट करेगा। तो असल में क्या हो रहा है, इस एग्जीक्यूट पोर्शन पे आके जो हमारी कमांड है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, असल में उस पर अमल किया जा रहा है। तो एग्जीक्यूटिंग कमांड के अमल की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। इस प्रश्न को करने से पहले आइए जान लेते हैं एक कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें जो दिखता है उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए ये जो पूरा जो वॉलपेपर आपको दिख रहा है, बादल, पानी, ठीक है, ये सारी स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, पूरी स्क्रीन को, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। और एक डेस्कटॉप के ऊपर हमें आइकन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो हमने इंस्टॉल किए हैं प्रोग्राम, जैसे हमने फायरफॉक्स कर रखा है, गूगल क्रोम कर रखा है, या हमने कोई नया फोल्डर बना रखा है, ये सभी हमें डेस्कटॉप के ऊपर दिखते हैं। ये रिसाइकल बिन होता है यहाँ पर। और डेस्कटॉप का एक हिस्सा और होती है ये टास्क बार। ये जो काली पट्टी बिल्कुल नीचे दिख रही है आपको, ये एक डेस्कटॉप का हिस्सा है और ये होती है टास्क बार। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन चल रही है वो यहाँ पर दिखती है हमें। जैसे क्रोम चल रहा है, क्रोम एक्टिवेट है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्टिवेट है, ठीक है। तो अभी और चीज़ जान लेते हैं, और चीज़ क्या है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है आपको इतना सारा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। इस इतने पोर्शन को क्या कहेंगे, वर्ड विंडो, ठीक है। और ये जो इधर आपको अलग से दिखाया गया है एक, ये क्या है, ये एक डायलॉग बॉक्स होता है। आप जब भी फाइल डिलीट करते हो तो अचानक से एक डायलॉग बॉक्स निकल के आता है, वो पूछता है फाइल को डिलीट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो एक नंबर पे आपको जो दिख रहा है, ये जो ऊपर सफ़ेद पट्टी है जिस पे तीन बटन्स हैं, मिनिमाइज का, रिस्टोर का और क्लोज का, इस चीज़ को बोलते हैं हम। एक नंबर पे क्या है, टाइटल बार, ये होती है टाइटल बार। उसके बाद ये होते हैं बटन्स, दो नंबर वाले। डायलॉग बॉक्स ये वाला होता है। विंडो ये होती है पूरी, वर्ड की विंडो है। अगर मैंने यहाँ पर क्रोम भी खोल दिया तो क्रोम की जो स्क्रीन दिखेगी उसे हम क्रोम की विंडो बोलेंगे। विंडो क्या है, स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कोई भी डाटा लिखेंगे हम उसे प्रदर्शन करेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर है विंडो, वो आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता है वो होती है विंडो। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं। इंटरनेट से अगर कंप्यूटर कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा है या सूचना पा रहा है तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। इसे आसानी से समझिए, अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को कोई फ़ोटो भेज रहे हैं तो वो होता है अपलोडिंग। इंटरनेट पे आप फ़ोटो डाल रहे हो। अगर कोई और फ्रेंड आपको कोई फ़ोटो भेजता है और आप उसे अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेते हो तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग, यानी इंटरनेट से अपने फ़ोन के अंदर स्टोर करना। तो अपलोडिंग अपने फ़ोन के अंदर से इंटरनेट पे कुछ डालना, और डाउनलोडिंग इंटरनेट से अपने फ़ोन के या कंप्यूटर के अंदर कुछ शामिल करना या डाउनलोड करना। तो ये होता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। अभी एक सर्वर टर्म आई है। सर्वर क्या होता है, सर्वर और क्लाइंट ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे कल वाली फ़ोटोज़ भेजो, तो वो होता है एक क्लाइंट। आपका फ्रेंड उस टाइम एक क्लाइंट है जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और अगर आप उसे भेज रहे हैं उस रिक्वेस्ट के ऊपर फोटोज, तो आप उस वक्त सर्वर बन जाते हो। यानी कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो होता है क्लाइंट, और जो भेज रहा है चीज़ें वो होता है सर्वर, ठीक है। ये इंडिया में कोई फ्रेंड बैठा है, ये कोई यूएसए फ्रेंड बैठा है, तो इंडिया वाला अगर रिक्वेस्ट कर रहा है इसे सर्वर से, तो खुद क्लाइंट होगा, और जो जो फ्रेंड उसे भेजेगा फोटोज वो होता है उस टाइम सर्वर। और अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यानी कि मान लीजिए इंडिया में कोई यहाँ पर ऑफिस है,
यहाँ पर एक ऑफिस के अंदर 50 कंप्यूटर आपस में जुड़ के काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक यूएस में भी मान लीजिए एक ऑफिस है, यहाँ पर भी 50 या 100 कंप्यूटर आपस में जुड़ के काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों नेटवर्क आपस में जुड़ जाएं, ये जो 50 कंप्यूटर्स का नेटवर्क था और ये जो 50 कंप्यूटर्स का नेटवर्क था, तो ये एक इंटरनेट माना जाएगा। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, एक बड़ा नेटवर्क जिसके अंदर काफ़ी सारे नेटवर्क्स होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को हम कहते हैं इंटरनेट। एरर को डैश भी कहते हैं। एरर को हम कंप्यूटर भाषा में बग भी बोल देते हैं। एरर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर अगर हमने कोई लिखते वक्त गलती कर दी, जैसे कि हम 2+3 लिखना चाहते थे और हमने 2×3 कर दिया, तो वो हमारे द्वारा किए गया एक गलती है। और जब कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करेगा, तो वो एक प्रोग्राम के अंदर एक एरर होता है, यानी कि बग होता है। और इस बग को जब हम ठीक करते हैं, तो उसे हम डीबगिंग कहते हैं। तो बग यानी कि एरर है, डीबग यानी उस एरर को हम ठीक करना चाहते हैं। आईटी का पूरा नाम क्या है? आईटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? अभी देखते हैं कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। प्रिंटर भी आउटपुट होता है, मॉनिटर भी आउटपुट होता है, कीबोर्ड ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये भी आउटपुट होता है, माउस इनपुट है, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, प्लॉटर ये आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट और मॉनिटर आउटपुट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, जो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। अभी प्लॉटर क्या होता है, ये फोटो में देखिए। प्लॉटर एक्चुअल में एक बड़ा सारा प्रिंटर होता है, जिसका अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो जो टेक्निकली है वो है, एक होता है वेक्टर ग्राफिक्स और दूसरा होता है रास्टर। अभी रास्टर में और वेक्टर में क्या फ़र्क है? मान लीजिए एक कोई फ़ोटो है, कंप्यूटर फोटो ड्रॉ कैसे करता है? वो पिक्सल्स बाय पिक्सल करता है। क्योंकि अगर उसने ए ड्रा करना है, मान लीजिए ये ए उसने ड्रा करना है, तो वो कैसे करेगा? यहाँ से शुरू करेगा, ये मान लीजिए पिक्सल भरना शुरू कर दिया इसने लाइन वाइज लाइन वाइज, तो वो यहाँ से पिक्सल छोड़ देगा, यहाँ से छोड़ देगा, तो इस तरह से ए ड्रा हो जाएगा। ठीक है, ये होती है रास्टर, मतलब उसने हर पिक्सल को विजिट करना है स्क्रीन के ऊपर। अगर बात करें वेक्टर स्कैनर की या वेक्टर इमेज की, तो वेक्टर में क्या करता है, ये मान लीजिए आपकी पूरी स्क्रीन है, तो ये सिर्फ उस इस लाइन में जाकर इस ए को यहाँ से ड्रॉ करेगा, फिर यहाँ से इस तरह से सिर्फ वही पिक्सल्स को एक्टिवेट करेगा जो ए को बना देते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। और ये जो वेक्टर ग्राफिक्स की जो टेक्नोलॉजी है, ये प्लॉटर फॉलो करता है। ठीक है, तो वेक्टर ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए या प्रिंट निकालने के लिए हम प्लॉटर्स को यूज़ करते हैं, जबकि नॉर्मल रास्टर स्कैन वाले प्रिंट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंटर्स को। मॉडेम टेलीफोन लाइन और डैश के बीच जुड़ा होता है। मॉडेम मैंने आपको बताया था क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में। अब ये लगा कहाँ होता है? मान लीजिए ये आपका टेलीफोन है और ये आपका कंप्यूटर है पीसी, तो मॉडेम इन दोनों के बीच में लगता है। यहाँ से एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और यहाँ से डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए इंटरनेट यूज़ करने के लिए, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। मॉडेम टेलीफोन लाइन और डैश के बीच जुड़ा होता है। ठीक है, मॉडेम जो है आपके एक टेलीफोन लाइन, ये मान लीजिए आपका टेलीफोन है, ठीक है, और ये आपका है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। तो इन दोनों के बीच में कहीं पर एक मॉडेम होता है, यहाँ पर मॉडेम जुड़ा होता है। तो टेलीफोन लाइन और डैश के बीच जुड़ा होता है, और कंप्यूटर के बीच, ये आपकी टेलीफोन लाइन और ये पीसी। अब ये जुड़ा क्यों होता है? फोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करने के लिए।
अगर आप चाहते हैं आपके घर में कोई टेलीफोन लगा हुआ है लैंडलाइन जैसे BSNL का, और आपके घर कंप्यूटर भी है, अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपको एक मॉडेम खरीदना पड़ेगा। मॉडेम क्या करेगा, टेलीफोन्स के जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल करके कंप्यूटर को देगा, ठीक है, और कंप्यूटर से जो भी डिजिटल सिग्नल्स आते हैं इस तरह से वो मॉडेम एनालॉग करके टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए इंटरनेट पर भेज देगा। तो इस तरह से आप मॉडेम यूज़ करके आपके मौजूदा लैंडलाइन या टेलीफोन से अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश जो कीबोर्ड हैं लैपटॉप्स के या कंप्यूटरों के, वो किस नाम से लोकप्रिय हैं, तो वो है देखिए ये जो आप देख रहे हैं QWERTY QWERTY। अब QWERTY नाम से लोकप्रिय है, ये QWERTY नाम यहाँ से बना है, इस रो से, ये जो QWERTY QWERTY। तो अब ये नहीं पता कि ये सीधा ABCD क्यों नहीं है, इसके पीछे कई राज हैं, कई थ्योरीज हैं जो कि क्लियर नहीं हैं, लेकिन QWERTY चल रहा है, हम इसे यूज़ कर रहे हैं, ये एक आजकल एक स्टैंडर्ड सा हो चुका है, ठीक है। मोबाइल्स के अंदर वर्चुअल कीबोर्ड्स जो भी हैं वो भी इसे फॉलो करते हैं QWERTY को, तो QWERTY जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है।